हेलो दोस्तों, इनके सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत नॉलेजेबल टॉपिक है। ये जो लैपटॉप दिखाई दे रहा है लेनोवो का, ये मॉडल नंबर है लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3। इसमें प्रॉब्लम क्या है ये देखना है, ठीक है ना। इसके लिए ओपन कर लिया तो हम लोग को चेक करना है किस कंडीशन में आया है। पहले तो आने के साथ साथ हम लोगों को कुछ भी चीज ओपन नहीं करना है, खोलना नहीं है, ठीक है। पहले तो ऑन करके चेक करना है, नो पावर इशू में आया है, कीबोर्ड का इशू में आया है, स्लो इशू में आया है, क्या इशू में आया है ये जानना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कोई यूजर बोलता है मेरा कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, तो कीबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है, कोई मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। खाली कीबोर्ड के लिए कीबोर्ड खराब नहीं होता है, कोई सेटिंग के लिए भी कीबोर्ड वर्क नहीं करता है, कभी मदरबोर्ड के लिए भी कीबोर्ड वर्क नहीं करता है, कभी कीबोर्ड खुद खराब होने से भी कीबोर्ड वर्क नहीं करता है। ये चीज हम लोग को जानकारी नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। यूजर तो जो प्रॉब्लम मिलेगा वो तो आपको बोलेगा ही, ठीक है ना। यूजर को जो इशू आएगा वो तो बोलेगा आपको, लेकिन देखने का काम आपका है, मेरा है, क्योंकि मैं टेक्नीशियन हूँ, आप टेक्नीशियन हो, इसलिए हम लोग को देखना जरूरी है। यूजर तो बोलेगा मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, बट कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है या लैपटॉप का अंदर में जो मदरबोर्ड होता है उसका इशू है, या कोई सेटिंग का इशू है, या कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर फंक्शन और नाम लॉक ऑन रहेगा ना, तब लैंग्वेज चेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ टाइपिंग करने से कुछ टाइपिंग होता है, कुछ टाइपिंग करने से कुछ टाइपिंग होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो लैंग्वेज सेटिंग कर देने से भी ओके हो जाता है। अभी कभी क्या होता है, अगर कीबोर्ड को जो रिलेटेड सेक्शन होता है वो अगर सेक्शन काम नहीं करता है तो भी कीबोर्ड काम नहीं करेगा, ओके। अगर कीबोर्ड खुद भी खराब होता है तो भी कीबोर्ड काम नहीं करेगा, तो ये ध्यान देना है, ठीक है ना। तो अभी हम स्टेप टू स्टेप अभी सारा कुछ खोल के हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि कीबोर्ड में ऑलरेडी पहले ही बाहर से लगा के टेस्टिंग कर चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि लंबा होगा वीडियो बोल के हम थोड़ा शॉर्टकट में दिखा रहा है, ओके। तो बाहर से चेक करने के लिए क्या करना है, आपको कवर को खोल के पहले कीबोर्ड लगा के आपको बाहर से चेक करने सकेगा। कैसे, कवर को खोलिए, जो कि कीबोर्ड जहां अटैच है वहां पे आप बाहर से कीबोर्ड लगा के एक बार, आप तो टेक्नीशियन है ना, एक बार चेक करना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर नया कीबोर्ड लगाने के बाद सेम इशू है तब तो आपको डाउट होना चाहिए मदरबोर्ड में इशू है फिर तो, या तो सेटिंग का इशू है। तो सेटिंग से भी नहीं होगा तो एक काम कीजिए, अपना एक हार्ड डिस्क लीजिए, पार्टी का हार्ड डिस्क निकाल दीजिए, यूजर का जो हार्ड डिस्क है उसको निकाल दीजिए, अपना हार्ड डिस्क लगा के फॉर्मेट करके चेक कीजिए। अगर फॉर्मेट करने के बाद में ओके है, इसका मतलब पार्टी का हार्ड डिस्क में सेटिंग का कोई अनुकूल है, फिर तो उसको क्या करना होगा, फॉर्मेट करना होगा, या तो सेटिंग ओके करने से कहते सेटिंग ओके कर दीजिए, ठीक है। लेकिन स्टेप प्रॉपर लेना है आपको, डायग्नोस्टिक बढ़िया करना है, अच्छा से डायग्नोस्टिक करना है, नहीं तो आपको क्या मेहनत बेकार जाएगा और आपका टाइमिंग भी लॉस्ट होगा, ठीक है। वही टाइमिंग का वैल्यू होता है हर चीज में, तो वो टाइमिंग बचाना है तो अपना हार्ड डिस्क लगाइए, फॉर्मेट कीजिए, चेक कीजिए, ओके ओके तो अच्छा बात है। देखिए प्लम रेस्ट कैसे खोला जाता है, ठीक है। ये हो गया कीबोर्ड, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी चेक कर लिया। अभी देखिए, अब ये निकाल दिया, अब हम कीबोर्ड को निकाल देंगे, ओके। उसके बाद में नया कीबोर्ड मेरे पास आ चुका है ऑलरेडी, तो वो भी लगा के दिखाएंगे आपको। अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखिए ताकि नया नया वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। और ये मॉडल नंबर हो गया आइडियापैड स्लिम 3, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरा वीडियो, ये नया चैनल है, ऑलरेडी 20-25 वीडियो डाल चुका है, आप लोग आराम से देखिए, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। और मेरा पुराना चैनल का नाम मिथुन टेक इन्फो, उसमें भी जाके देख सकता है, रिपेयरिंग का दिया हुआ है, क्योंकि बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। 70-80% बेसिक नॉलेज से आप कोई भी वर्क सॉल्व कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपका रिपेयरिंग का सेक्शन चला जाता है, ठीक है। 20-30% ही रिपेयरिंग का रहता है, उससे पहले आपको बेसिक नॉलेज से आपको ठीक करना पड़ेगा। नो पावर होने का रीजन ये नहीं है आपको मदरबोर्ड रिपेयर करना पड़ेगा, नो पावर का भी बहुत रिलेटेड इशू होता है, ठीक है। कोई सॉकेट खराब हो तो भी तो नो पावर होगा, ओके। अगर बैटरी आपका डिस्चार्ज कंडीशन में आएगा और सॉकेट भी खराब रहेगा
तब तो नो और समझेंगे। तो वो डायग्नोसिस करने का ऊपर बात होता है, ठीक है ना। तो डायग्नोसिस प्रॉपर कीजिए, ठीक है। अभी देखिए ना, एक बार अभी लगा देंगे, तो ये भी लगाने आना पड़ेगा आपको बढ़िया से, क्योंकि ये अभी टेस्टिंग कैसे करता है वो तो दिखाया नहीं आपको, क्योंकि लंबा होगा वीडियो और आप लोग स्किप करके देख रहा है, ठीक है ना। तो स्किप करके मत देखिए, समझिए चीज कैसे इसको फिटिंग करता है, कैसे लगाता है, ठीक है। क्योंकि आयरन इसको ऑलरेडी यूज कर चुका मैं। अभी देखिए ये फिटिंग भी हो गई, इतना जल्दी फिटिंग नहीं होता है। ये आयरन से हम टेस्टिंग कर दिया लेकिन आपको पता ही नहीं चला, ठीक है। तो आयरन यूज करना होगा आपको, ठीक है ना। आयरन से लाया लाया करके टेस्टिंग करना होगा। अब ये देखिए ये निकाल लिया, अब चिपका देंगे आराम से क्यूबोर्ड में। ओके देखिए, ये अगर पेस्टिंग नहीं होगा तब तक मत चिपकाइए। जब तक आयरन लगा के पेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक मत चिपकाइए। पेस्टिंग होने के बाद में ये चिपकाना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसलिए वीडियो भी देखिए और मैं जो बोल रहा हूँ वो वर्ड को भी सुनिए, क्योंकि मेरा फेस दिखाने नहीं सक रहा है, इसलिए ताकि वीडियो को दिखाना जरूरी है ना, तो इसलिए मेरा फेस तो दिखाने नहीं सकेंगे। अभी देखिए ये समझा रहा है, आराम से देखिए। कोई भी की नहीं घुस रहा अंदर, इसलिए नहीं घुस रहा क्योंकि पेस्टिंग सुंदर से कर दिया। तो बहुत यूजर क्या मैकेनिक क्या करता है, टेप मार देता है। टेप मारना नहीं चाहिए, टेप मारने से क्या होगा ना, जब कोई भी की को हम लोग प्रेस करेंगे तो घुस जाता है अंदर में की, तो कंप्लेन आता है, ठीक है ना। इसलिए ये कंप्लेन नहीं करना है, मेरे पास बहुत आता है ऐसा। तो रिपीट से मेरे को खोल के फिर ठीक करना पड़ता है, बेचारा उसका भी सर्विस चार्ज उनको भरना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं से बना के लाता है, फिर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए मेरे पास आता है, फिर बोलता है भैया ऐसे ऐसे की प्रेस करने से अंदर घुस रहा है बटन। फिर की बटन को मेरे को क्या करना पड़ता है, सारा टेप को हटा के फिर री सारा पेस्टिंग कर देता है। ओके अब स्विच को चेक करना जरूरी है, क्योंकि आप अगर अंदर से स्क्रू टाइट कर देंगे तो स्विच जाम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा। अगर स्विच दबा रहेगा तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होते रहेगा, फिर आप कन्फ्यूज में पड़ जाएंगे, कोई मदरबोर्ड शॉर्ट हो गया ना, क्या हो गया, ठीक है ना। इसलिए स्विच को प्रेस करके देखिएगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ होना नहीं चाहिए, स्मूथ ऑन होना चाहिए, ठीक है स्विच, तो ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नया नया वीडियो मिलते रहेंगे। और मेरे चैनल में आपको मनी काउंटिंग से लेके प्रोजेक्टर से लेके DVR से लेके CC कैमरा से लेके डेस्कटॉप से लेके लैपटॉप से लेके हर रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, ठीक है। और ये नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, अब मैं भी आप लोग को सपोर्ट करते रहूँगा, कंटेंट अच्छा अच्छा दिखाते रहूँगा, आप लोग देखिए सीखिए और मेरा जैसा टेक्नीशियन बनिए। देखिए सुंदर से हो गया, LVDS केबल भी लगा दिया, सारा कुछ हो गया, रैम इसमें इनबिल्ड है, डिस्प्ले भी आ चुका है। ओके देखिए रैम इनबिल्ड है, अब रैम इसका क्या है ना, अगर रैम जो इनबिल्ड होता है वो कन्वर्जन अगर कर देंगे नो डिस्प्ले होगा तो उसको कन्वर्जन करना पड़ता है, ठीक है।